गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8, हम सब उठ चुके हैं। मेरा गंजा भी उठ चुका है। विवान अभी सो रहा है। आज पापा जा रहे हैं अपना वेस्ट बंगाल, उनका बैग पैक हो गया है। आज उनकी ट्रेन है सुबह। कितने बजे की ट्रेन है पापा? 11 बजे की। तो पापा आज निकल रहे हैं। कैसे जाओगे? कार से? अच्छा, कार छोड़ के आई भाई। तो पापा आज जा रहे हैं। विवान अभी सो रहा है। अगर उसे दिखेगा कि पापा चले गए हैं तो वो कहेगा और नानू पापा कहाँ चले गए। ओ गुग्गी का ये माला का टूट के लटका हुआ। अच्छा हुआ घर में ही है, नहीं तो ये ओ गिर गया। ये लो, ये सोने का है क्या? ये दिख नहीं रहा। हाँ सोने का है, ये टूट के गिर गया। अच्छा हुआ दिख गया, नहीं तो गिर जाता कहीं और। रख लो संभाल। ये कुंडा ऐसी। अब इसको ना उतार दो, ये ऐसे ही बच्चों के ना गिर जाता है ये बार बार। इसको उतार के रख दो अब। तो गाइज आज से है नवरात्रे शुरू। जैसे कि आप जानते हैं, रात को मैंने शॉपिंग करी है माता के लिए और बच्चों को मेला भी घुमा के लेके आई हूँ। तो आज से नवरात्रे शुरू हैं। तो अब मैं नहाऊंगी और नहा के माता की चौकी वौकी तैयार करेंगे। तो आपको हम दिखाएंगे, हमने 9 दिन तक माता की चौकी का पूरा आपको हम दिखाएंगे कि हम कैसे करते हैं। और मेरा तो आज है फास्ट, मम्मी का भी है और कनिका का भी है। तो देखते हैं कौन कितने फास्ट रखता है। मैं तो अभी कह नहीं सकती कि पूरे रखूँगी कि नहीं, बट कोशिश यही है कि पूरे व्रत रखूँगी मैं। तो आइए चलते हैं, नहा धो लेती हूँ पहले, है ना, फिर चौकी वौकी भी लगानी है, टाइम हो जाएगा बहुत। पापा तो निकलने वाले हैं, 9 बजे करीब निकल जाएंगे वो। वंशु भी जग गया है सो के, विवान अभी नहीं जगा है। अरे 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 गुगु कहाँ जा रहा है? ओ वंशी, वंशी उठ गया? क्या कर रहा है वंशी? कर रहा है, बोल तो सही, क्या कर रहा है? अरे कौन से टीले पे बैठा हुआ है? तो तकियों के टीलों पे बैठा हुआ है। हाय कर दो गाइस को, हाय करो, मुंह से बोलो हाय गाइस। आवाज़ नहीं आई, जोर से बोलो जय माता दी। नूना ओए नूने, नूने देख नानू पापा जा रहे हैं। उतरी उठ गया। नानू पापा से पूछ कहाँ जा रहे हो? देख नानू पापा जा रहे हैं, जल्दी उठ जा। हैं जोर से बोल, नहीं जाओ तो जाना पड़ेगा जोर से। नहीं अभी सो के उठा है तू, सो के उठते ही जाएगा क्या? तो गाइस पापा जा रहे हैं और ये रो रहा है कि मुझे भी जाना है छोड़ने के लिए। मैंने कहा नहीं, अभी सो के उठा है तू, अभी नीचे जा रहे हैं। तो मैं नहा चुकी हूँ, अब यहाँ रोना धोना शुरू है कि मुझे जाना है, मुझे जाना है गाड़ी में। वहाँ नानू पापा इसके जा रहे तो रो रहा है वो। नानू पापा जा रहे हैं इसके, अंशु भी करने जा रहा है। चुप भाई करते हैं, जल्दी आ जाओ, इसको भी लेने के जाना, इसको कपड़े बदल रही हूँ मैं। जा रहा देख के रो रहा है, इसको मैं कपड़े बदल रही हूँ, आप जल्दी आ जाओ बाय। अरे बाय कर दे, रोल लग रहा है, जाओ इसको अंदर लेके। जल्दी जल्दी नहाओ, जल्दी जल्दी। चलो भाई विवान भी नहा लिया, जल्दी से विवान भी तैयार होकर पूजा करेगा। करेगा ना पूजा? जल्दी जल्दी निकालो पानी। गाइस अभी हम अपनी माता की चौकी की तैयारी में लग रहे हैं, हम उसे सजा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अभी हम कर रहे हैं तैयारी, जब तैयारी हो जाएगी तब हम पूजा करेंगे।
क्या हो गया बेटा? कहाँ पे? यहाँ पे? चल चल, किन्ने मारी? टेबल ने? तो टेबल में क्या कर रहा था तू? उतर रहा था नीचे, नीचे उतर रहा था, तो फिर ऊपर चढ़ रहा था, तो देख के चढ़ना चाहिए ना। ठीक है, चल अब ठीक है, अब ठीक है। नहीं चल बेटा, चल चुप हो। तो गाइस पूजा वगैरह कर ली है हमने, अभी नींबू पानी पिया है, 12:30 हो रहे हैं, अब चाय बन रही है, चाय पियेंगे। तो तब तक हम विवान को खाना खिला देते हैं। आज विवान लेट हो गया खाना खाने में, उसको भूल गया हम कि उसको कुछ खिलाना भी है। दोनों बच्चे रह गए आज खाना खाने से, तो अभी मैं उसके लिए लाई हूँ सब्जी रोटी। बट वो अपना सुबह का रूटीन उसको याद है, कह रहा मम्मा चाय बिस्कुट खाना है। मैंने कहा चाय बन रही है, खिला दूंगी जब तक रोटी खा ले। ठीक है भाई, चल रोल बना के दूँ। मेरे घर जवी लोटी खा रहे हैं, क्लैपिंग कर दो। ओए वेरी गुड गाइस, देखो कैसे चाय में डुबो के खा रहा है। सब्जी से तो खाया नहीं उसने, सब्जी लाई थी मैं, चाय से डुबो के खा रहा है गंदा बच्चा। चाय से क्यों खा रहा है बेटा? सब्जी अच्छी नहीं लगती, चाय अच्छी लगती है। और आप क्या देख रहे हो फोन में? क्या देख रहे हो फोन में? क्या देख रहे हो? सौरभ जोशी, सौरभ जोशी का व्लॉग देखा जा रहा है। ये देखिए गाइस, इसे पीयूष जोशी और सौरभ जोशी बहुत पसंद है, सारा दिन उन्हीं का व्लॉग देखता रहता है, ये अपना तो देखता नहीं है। तो गाइस अभी बज रहे हैं 3:30, विवान सो चुका है, वो सो गया था चाय पीने के बाद। मैं भी लेट गई थी, थोड़ा सा सर भारी हो रहा था। मम्मी अभी दोबारा चाय पी रही है। पी ली अपनी चाय? पी ली दोबारा चाय। तो गाइस मैं अभी आपको दिखाती हूँ बाहर कितनी गर्मी हो रही है, एकदम हमारी गैलरी तप रही है बड़ी बुरी तरह। दिखाती हूँ अभी, ये खोला मैंने दरवाज़ा, ये देखो कितनी तेज़ धूप है, जबकि चीकू भी डाल रखी है फिर भी। ये देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पे, पानी डाल दिया किसी ने। कितनी तेज़ धूप है, वहाँ मकान बन रहा है। ये क्या हो रहा है नीचे, खेल रहा है बच्चे के साथ, तेज़ धूप है। देख सकते हो आप कितनी तेज़ धूप है, मेरे तो देखा भी नहीं जा रहा बाहर, इतनी गर्मी लग रही, पैर भी जल रहे हैं। चलो अंदर चलते हैं। तो गाइज अभी बज रहे हैं 5:30, बच्चों दोनों बच्चे सो के उठ चुके हैं, अपना खेल रहे हैं। अभी थोड़ी चाय बना के पीते हैं और व्रत का खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ मैं अभी से ही, क्योंकि 6:30 हम दिया जला देंगे, पूजा करनी है तो माता को भोग लगाना है, तो उसके लिए मैं आज प्रसाद बनाऊंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज मैं क्या बनाऊंगी। तो यहाँ अभी मैंने मंगाया है साबुदाना, तो साबुदाना हम 1.5 घंटा पहले भिगोएंगे तब ये बनेगा, ठीक है। और यहाँ लाए हैं चलाई के लड्डू और चिप्स, चिप्स मैं ये वाली चेंज करवाऊंगी, मम्मी लेके आ गई गलती से। मैं तो मैंने यहाँ पे साबुदाना भिगो के रख दिया है, जब तक मैं आलू की सब्जी और अपना चावल वगैरह बनाऊंगी तब तक मेरा साबुदाना भीग के फूल जाएगा। कट चुके हैं अभी, तो पहले चाय पी लेते हैं, चाय बन गई है। तो अभी हमारा तेल गरम हो गया है, अभी मैं उसमें डालने जा रही हूँ जीरा, अब इसमें डाल दूंगी मैं आलू। और अभी ही हम ऐड कर देंगे इसमें टमाटर, टमाटर हम थोड़े ज़्यादा डालेंगे क्योंकि सब्जी में कुछ और से डालना है नहीं खटाई के लिए। इसमें हमने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है, बस अब हम और कुछ नहीं डालेंगे, सब घुमाएंगे और बंद कर देंगे। दो या तीन सीटी में ये गल जाएंगे, तो फिर मैं इन्हें खोल के थोड़ा सा प्रसाद निकालूंगी साबुत आलू, उसके बाद मैं इसको मैश करके हल्का सा, जैसे आलू पूरी की सब्जी बनती है भंडारे की, वैसे इसको मैश करके फिर इसमें मैं पानी ऐड करूंगी, जितना हम सबको खाना है। हम 3 जनों का व्रत है तो हम 3 जने खाएंगे, उस हिसाब से मैं इसमें पानी करूंगी। इसको भिगो लेती हूँ और इनको थोड़ी 5 मिनट भिगोने के बाद चावल चढ़ा देती हूँ। तो कुकर रख दिया है गैस पे मैंने, तो चावलों के लिए उसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी। तो हमारा तेल गरम हो गया है, अब हम डालेंगे जीरा, उसके बाद डाल देंगे हम चावल, उसके बाद हम डालेंगे पहले टमाटर।
अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे अपने स्वाद के अनुसार। तो हमारे आलू अभी ऐसे बन गए हैं, अब इसको मैं निकालूंगी थोड़ा सा अपने लिए भगवान को भोग लगाने के लिए, माता को। उसके बाद मैं इन आलूओं को कर दूंगी मैश और इसमें करूंगी पानी, ठीक है, इस तरीके से। तो चलो अब हम बनाते हैं साबूदाना, साबूदाने की खिचड़ी। तो उसके लिए पहले हम डालेंगे तेल, तेल थोड़ा ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं, चिपके ना बस इतना। तो अभी हम मूंगफली फ्राई करेंगे पहले इसमें, मूंगफली लाइट फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं चलाएंगे नहीं तो कड़वी लगेगी खाने में। तो हमारी मूंगफली फ्राई हो गई है, हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम डालेंगे जीरा, जीरे के बाद डाल देंगे इसमें एकदम से टमाटर, क्योंकि जीरा बहुत जल्दी काला हो जाता है। तो अब हम इसमें डालेंगे अपना साबूदाना। कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बर्फ गिर रही। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करके उसके बाद हम इसमें अपना ऐड करेंगे अपनी मूंगफली, मूंगफली भी अभी डाल देंगे। हमने मूंगफली भी ऐड कर दी है, अभी इनको करके ना फ्राई। नमक तो डाल दिया हमने, ये बन रहा है हमारी माता का प्रसाद साबूदाना खिचड़ी। तो हमारी साबूदाना की खिचड़ी बनके तैयार है, अब इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे। हाँ देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, वाह। तो हमारा माता का प्रसाद बनके तैयार हो चुका है। ये है साबूदाना खिचड़ी, ये है समा के चावल और ये है हमारी आलू की सब्जी। तो हमारा प्रसाद तैयार हो चुका है, तो अब मैं जाके नहा लेती हूँ, गर्मी लग रही है क्योंकि मेरे को, नहा के फिर मैं माता के पूजा करती हूँ, दिया जलाती हूँ, उसके बाद हम प्रसाद खाते हैं। बहुत टेस्टी बना है, इतनी टेस्टी लग रही है सब्जी, जितना सिंपल उतना टेस्टी। साबूदाने की खिचड़ी खाते बहुत टेस्टी बनी है, आप ये लोग खा रहे हैं तो पूछ लो, बहुत टेस्टी बनी। साबूदाने की खिचड़ी खा, तो गाइस अभी हम लोगों ने खाना वाना सब खा लिया, मतलब आज इतना थक गए थे कि थोड़ी देर लेटे तो मेरी तो आँख लग गई थी। आज हमारे यहाँ पास में ही जागरण हो रहा है, था मन वहाँ पे जाने का हमारा, बच्चे तो खैर मम्मी लेके चली गई होके आ गए थे, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई, मेरी आँख लग गई थी अभी थोड़ी देर पहले। अभी उठी हूँ मैं 10 बजे, तो अब थोड़ा मच्छर ज़्यादा हो रहे थे, उनके लिए हमने फायर वगैरह जलाई है। हिम्मत नहीं हुई जागरण में जाने की, जाएँ और देखें वहाँ पर मम्मी कह रहे काफ़ी अच्छा हो रहा है वहाँ पर जागरण वगैरह, बट हिम्मत नहीं हुई। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, तो प्लीज़ गाइस लाइक करना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय।